नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो फिन में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राज्यसभा में अमित शाह से सिब्बल बोले, हिम्मत है तो बोलिए, गोडसे आतंकी है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में यूपीपीए बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार पर जमकर के हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करते हुए सिब्बल ने कहा है कि किस स्टेज पर सरकार तय करेगी कि कोई आतंकी है। अगर हाफिज सईद तो वह आतंकी है, गोडसे है तो वह आतंकी है, लेकिन आपसे कहते हैं कि हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 1947 से आज तक आपके पास हिम्मत नहीं हुई कि आप कहे कि गोडसे आतंकी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि गृह मंत्री जी, आप उठ करके कह दीजिए, क्योंकि सब नजरिए की बात है, जिस नजरिए से देखते हैं कि वो आतंकी हो जाता है, तो आज आपसे ऐसे लोगों को जेल में रखना होगा जो शिक्षाविद हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के फंडिंग लेते हैं, उन्हें कल आप नोटिफिकेशन से आतंकी कह देंगे। यह सब आपकी मंशा पर निर्भर करता है। अगर आप गृह मंत्रालय से किसी को आतंकी घोषित कर दिया तो उसके पास रिव्यू और ट्रिब्यूनल के पास जाने का अधिकार है, लेकिन बिल यह नहीं बताता है कि उस व्यक्ति को क्यों और कब आतंकी घोषित किया गया है। किस चरण में आप किसी को आतंकी मानेंगे? एफआईआर के वक्त, चार्जशीट के बाद, ट्रायल के बाद इस पर बिल से सफाई नहीं दी है। हमारे कानून में तो दोषी ठहराए जाने पर हर व्यक्ति निर्दोष है, ऐसे में आप ट्रायल के दौरान किसी को आतंकी घोषित कर सकते हैं। बिल में यह प्रावधान लाने का कोई मतलब ही नहीं है। कल तो आप किसी को अरबन नस्ल को भी आतंकी कह सकते हैं, इसके बाद तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड आज से 4 राज्यों में शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इसके बाद कोई भी राशन कार्ड धारक देश में किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुकान से राशन खरीद पाएगा। इसको लेकर के आज देश भर में 4 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में वन नेशन वन राशन कार्ड का ट्रायल शुरू हो गया है। सरकार चाहती है कि 1 जुलाई 2020 तक पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू हो जाए। एक्सपर्ट का कहना है कि इस योजना का उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। इस योजना को लागू करने के लिए उपभोक्ता मामले में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्य सचिव और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। वहीं शनिवार को उन्होंने बयान में कहा है कि 30 जून 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में लागू हो जाएगा और साथ ही 85% आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन से लिंक हो जाएगा। 22 राज्यों में 100% POS मशीन लगाए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए किया प्रधानमंत्री मोदी को आगाह, मंदी की ट्रेन तेजी से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के आगाह करने वाला ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि श्री प्रधानमंत्री जी, अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर गई है और लगता है कि सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं है। अगर आपकी अक्षम वित्त मंत्री आपको ये कह रही है कि सुरंग के अंत में कोई रोशनी है, तो भरोसा कीजिए, ये पूरी गति से आती हुई मंदी की रेल है। दरअसल एक समाचार वेबसाइट ने अर्थव्यवस्था को लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें से लिखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। इसी आर्टिकल को उन्होंने अपने ट्वीट के साथ संलग्न भी किया है। इस आर्टिकल में वो संकेत दिए गए हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था ठहरी हुई है और इसमें रिकवरी नहीं देखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पद से इस्तीफा देने के बाद नए अध्यक्ष के नाम को लेकर के अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी की कार्य समिति की बैठक संसद में मौजूदा सत्र के बाद होगी, हालांकि इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। पार्टी महासचिव प्रभारियों की बैठक के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी CWC का हिस्सा है और वह इसकी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे की अस्वीकार करते हुए CWC ने उन्हें पार्टी से अमूलचूल बदलाव के लिए अधिकृत किया था। हालांकि राहुल गांधी अपने रुख पर अड़े हुए और स्पष्ट कर दिया है कि न तो वह
और न ही गांधी परिवार का कोई दूसरा सदस्य इस जिम्मेदारी को संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि झुक गया पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को कल मुहैया कराएगा काउंसलर एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस यानी कि राजनयिक मदद देने के लिए तैयार हो गया है। पाक मीडिया में आए रिपोर्ट के मुताबिक कल यानी कि शुक्रवार को पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराएगा। जेल में बंद जाधव से मिलने के लिए कल दोपहर 3 बजे भारतीय अधिकारी को बुलाया गया है। भारत इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। कुलभूषण जाधव मामले में इसे भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। यह जानकारी आज पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने दी है। फैजल ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है, यहां भारतीय उच्चायोग को सूचित करने के बाद पाकिस्तान भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। ऐसा उसके ICJ के 17 जुलाई को दिए गए आदेश के मुताबिक किया जा रहा है। ICJ ने 17 जुलाई को आदेश में 2 सप्ताह के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। ICJ ने पाकिस्तान को जाधव की सजा की और प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने के लिए कहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को यह भी निर्देश दिया है कि वह जाधव तक भारत को अविलंब राजनयिक पहुंचा दे। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव को काउंसलर सेशन देने के लिए वह प्रस्ताव में आ गया है। उसको लेकर के हम ICJ के फैसले के मुताबिक विचार कर रहे हैं और इसके बाद हम राजनयिक माध्यम से उसको जवाब देंगे और समय के अंदर ही जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि क्या बिहार में मुस्लिम नेताओं की मजबूरी बनते जा रहे हैं नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों बिहार की राजनीति में इस बात पर सबसे ज्यादा बहस होती है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के मुस्लिम नेताओं की पसंद के साथ मजबूरी बनते जा रहे हैं। दरअसल विपक्षी राजद और कांग्रेस के नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ और फिर उनकी पार्टी में शामिल होने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में यह सवाल और भी ज्यादा पूछे जाने वाला है कि भले ही नीतीश कुमार BJP के साथ चल सकते हैं, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में सक्रिय मुस्लिम नेताओं की पहली पसंद है। इसका एक उदाहरण रविवार को देखने को मिला है, जब 4 बार राजद से सांसद मोहम्मद अली ने जनता दल यूनाइटेड विधिवत रूप से ज्वाइन किया है। उससे पहले राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी संसद के अंदर और बाहर बार बार यह संदेश दे चुके हैं कि अब उन लोगों की राजनीति में तारहार नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। अब राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद भी देर सवेर जनता दल यूनाइटेड का रुख ले सकते हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने भी बार बार यह संकेत दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार से अच्छा कोई प्रशासन ही नहीं है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अधिकांश मुस्लिम नेताओं का मानना है कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में जाएंगे तो हार मिलेगी निश्चित है, लेकिन अगर नीतीश कुमार का साथ हो जाए तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर नहीं बनी मस्जिदें, माहौल बिगाड़ रहे हैं BJP MP। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी जमीन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बनाने के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जफर उल इस्लाम खान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस मस्जिद और कब्रिस्तान को भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश शर्मा ने अवैध बताया है, उसमें से कोई भी सरकारी जमीन पर नहीं बने हैं। इसके अलावा BJP सांसद मनोज तिवारी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में BJP सांसद प्रवेश वर्मा के बयान के बाद 1 महीने के पहले फैक्ट फाइलिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से सोशल एक्टिविस्ट समेत अन्य को इसमें शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट को पेश करते हुए जफर उल इस्लाम ने कहा है कि सांसद प्रवेश वर्मा ने जिस 54 जगहों का जिक्र किया है उस पर किसी भी तरह के कोई अवैध जमीन और कब्रिस्तान नहीं बने हैं। 170 पन्नों की इस रिपोर्ट में जल्द ही उपराज्यपाल को यह सौंप दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि डॉक्टरों के विरोध के बीच नेशनल मेडिकल कमीशन बिल राज्यसभा में पास हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 को राज्यसभा में पास कर दिया गया है। इसे 29 जुलाई को लोकसभा में पास किया गया था। हालांकि देश में डॉक्टर्स और मेडिकल संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आरवी अशोकन ने कहा है कि एमबीसी बिल की धारा 32 में एडवांस मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए 3.5 लाख रुपए आरोग्य एवं गैर डॉक्टरों को लाइसेंस देने का प्रावधान है। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रावधान शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो कि मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े किसी भी शख्स को एनएमसी के रजिस्टर होने और एडवांस प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस हासिल करने की इजाजत देता है।